भीलवाड़ा शहर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर मंगलवार को लगाए गए होर्डिंग्स लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। होर्डिंग्स में बीजेपी का एक साल शहर का बुरा हाल जवाब दे भाजपा को हाईलाइट किया गया है। कांग्रेस चिंतन क्लब के नाम से लगाए गए होर्डिंग्स में बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं और शहर का हाल दर्शाया गया है। इसमें कचरे के ढेर से फैल रही बीमारी का खतरा, शहर के उद्यान है बदहाल, शहर की सड़कों पर गड्ढे, अवैध कॉम्प्लेक्स, टूटी सड़क और नालियां, अतिक्रमण, गांधी सागर तालाब में फैल रही बदबू का हवाला देकर बीजेपी से जवाब मांगा गया है। इस संबंध में कांग्रेस के जिला महासचिव महेश से जब बात की गई तो उन्होंने इस तरह के पोस्टर कांग्रेस द्वारा लगाए जाने से इनकार कर दिया। लोगों में चर्चा है कि पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं या किसी और ने लगाए हैं, लेकिन पार्षदों के नामों की चर्चा भी इन बैनर्स को लेकर है। पोस्टर में लगाए गए आरोप हकीकत को भी दर्शाते हैं। शहर के पार्कों की हालत इतनी खराब है कि यह किसी से छिपी नहीं है। टूटी सड़कें लोगों को दर्द दे रही हैं, जबकि आवारा पशु कई लोगों के लिए जानलेवा बने हुए हैं। नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं और शहर की कई कॉलोनियों में गंदगी के नजारे को देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि बैनर चाहे किसी ने भी लगाया हो, लेकिन आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।